हाँ जी बेटा, स्पेशल ऑडिट को आगे बढ़ा रहे हैं. अब नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ दैट इज क्वेश्चन 22 एंड दैट इज अबाउट क्लब्स. हैंड रिटन शीट में है, उसी को देखिएगा. पहली बात यह है कि जो भी क्लब्स होते हैं ये कंपनीज एक्ट में भी हम पढ़ते हैं कि नॉर्मली दे आर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. 1956 का कोई लॉ एक्ट सेक्शन मत यूज करिएगा, उसमें 12(2)(b) होता था, वो नहीं यूज करना है प्लीज. तो सीधा लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21 अगर लिखना है तो, नहीं तो सीधा लिखिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013. कि नॉर्मली आप देखेंगे जो क्लब्स होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, जिसमें मेंबर्स जो हैं वो शुरू में ही गारंटी दे देते हैं कि भैया कल को अगर प्रॉब्लम आई, वाइंडिंग अप के वक्त जरूरत पड़ी, तो हम एक अमाउंट का एश्योरेंस दे देते हैं कि वो अमाउंट हम देंगे कंपनीज की लाइबिलिटीज की तरफ और जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है उसकी तरफ. तो ये तो हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन. तो कंपनी है तो MOA, AOA, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग वो सब होगा. और क्लब जो है वो हमेशा अपने मेंबर्स के लिए काम करता है. स्पोर्ट्स क्लब बनता है, एंटरटेनमेंट क्लब बन जाता है, तो ये सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं. और जो मेंबर्स के साथ उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं उनको गेस्ट बोलते हैं, गेस्ट. और आज की डेट पे आप देखेंगे क्लब्स जो होते हैं वो गेस्ट फी चार्ज करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो मेंबर नहीं है वो उनके क्लब में ज़्यादा आए, क्योंकि हर जगह इतने मेंबर्स होते हैं तो उनके लिए ही फैसिलिटीज़ कम पड़ जाती हैं. तो क्लब्स का तो काम ही यही होता है कि अपने मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज़, ताकि वो उसको एंजॉय कर सके वीकेंड्स में आए या जैसे मर्जी आए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है या कोई भी वीकेंड प्रोग्राम्स, फंक्शंस, दिवाली फंक्शन या कुछ भी इस तरीके के प्रोग्राम्स, होली का, कैसे भी क्लब्स बहुत एंजॉय करते हैं दैट वे. और एक लाइफ मेंबरशिप फी लेते हैं हमेशा वो, जिसको वो कैपिटलाइज करेंगे लाइफ मेंबरशिप फी को, है ना. क्यों? क्योंकि उसकी एंट्रेंस फी बोल दीजिए उसको या लाइफ मेंबरशिप फी बोल दीजिए दैट वे. और एक अमाउंट वो हर साल एनुअल फी भी लेते हैं जिसको सब्सक्रिप्शन बोल देंगे आप, तो वो पॉइंट्स फिर कॉमन हो जाएंगे क्लब में. जैसे किसी भी और जगह पे आप पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन, वैसे ही क्लब में है बिल्कुल सेम, राइट. तो अब उसने एक पॉइंट बनाया एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी के लिए आप मेंबर्स ने अप्लाई किया होगा, फिर आपने उसको पेमेंट लिया होगा, तो आपने रिसीट इशू किया होगा, उसका कॉन्ट्री फाइल होगा, फिर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैश बुक, पासबुक, है ना, वो सब ट्रांजैक्शन. फिर आपने उसको मेंबरशिप अलाउ करी, इसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ होगा मैनेजिंग कमेटी का, उसके मिनट्स से चेक कर सकते हैं, राइट. फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है फूड स्टफ, सिगार, वाइन्स. क्लब में हमारे रेस्टोरेंट है या पब है या बार है, तो वहाँ पे जितना भी स्टॉक परचेज होता है फिर उस पर इंटरनल चेक, जैसे स्कूल में पढ़ा ऐसे यहाँ पर है, सारा इंटरनल चेक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एक पॉइंट और भी लिखेगा कहीं पे कि जो रेस्टोरेंट है उसमें नॉर्मल एक ऑर्डिनरी रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रखना ज़रूरी है, जिससे कि क्लब को मैनेज किया जा सके, राइट. तो जो वो कहता है कि नॉर्मली क्या होता है, अपने मेंबर्स जब अपने ही क्लब के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट वो कहता है इतना मत दें कि मार्जिन ही ना बचे बिल्कुल भी दैट वे. फिर उसके बाद एक खास बात बताऊँ मैं आपको, क्लब में कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो उसी वक्त पे करनी पड़ती हैं. जैसे आपका क्लब है उसमें गोल्फ की फैसिलिटी है, अब उसके लिए एक्सेसरीज आपको चाहिए होंगी, शूज़ चाहिए होंगे, स्टिक चाहिए होगी, बॉल चाहिए होगी या और भी चीज़ें होंगी एक्सेसरीज, तो उनका बकायदा एक एक्सेसरीज रूम होगा जहाँ पे जाएंगे आप. ऐसी स्पा की फैसिलिटी है, ऐसे ही स्विमिंग की फैसिलिटी है, ऐसे ही गेम्स हैं कुछ और उनकी फैसिलिटी है, तो बड़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. तो असली बात यह है कि हर फैसिलिटी पे एक रजिस्टर पड़ा होगा जिसको बोलेंगे सब्सिडियरी रजिस्टर. असली बात जो मेरे से सीखनी है आपने. और उसमें बकायदा आपके मेंबर के और उनके कितने गेस्ट हैं, बकायदा ये बात नोट की जाएगी किस टाइम पे आना हुआ, क्या डेट था और क्या फैसिलिटी आपने एंजॉय करने के लिए, कौन से एक्सेसरीज ली आपने. और अगर कोई पैसा बनता है तो वो पैसा उस वक्त कैश में नहीं लिया जाता, आप रेस्टोरेंट में गए वहाँ पे भी आपको कैश में नहीं पे करना होता, तो वो सब आपके अकाउंट में आप उनके डेटर बनते जाते हो, तो डेबिट होता रहता है आपके अकाउंट में. तो हर जगह सब्सिडियरी रजिस्टर्स बने होते हैं जहाँ जहाँ भी पेड फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आपको पे करना पड़ता है उनके लिए, तो वो उस वक्त कैश ना दे के एंट्री हो जाती है बकायदा, ड्यू हो जाता है ड्यू. फिर ईयर एंड पे या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग पे एक जो रिसेप्शन जगह है मेन जगह, वहाँ पे एक मेन रजिस्टर होता है,
मल्टी कॉलमनर होता है ये, उसमें वेरियस कॉलम्स होते हैं और उसमें उन कॉलम्स में डिफरेंट सब्सिडियरी रजिस्टर से जो भी आपके ड्यूज थे उनको मेन रजिस्टर में एंटर करके टोटल ड्यूज कितने बनते हैं वो आपको बता दिया जाता है। सर ये आपकी एनुअल फीस सब्सक्रिप्शन है, ये आपका इस सब्सिडियरी रजिस्टर से हमने अमाउंट निकाला, ये उससे निकाला, ये उससे निकाला है, टोटल सर आपने ये सर्विसेज ली थी इसका ये पैसा ड्यू बनता है सर, प्लीज इसे पे कर दीजिए ऐसे। तो ये एक चीज़ है जो आपको अपने आप से समझ नहीं आती, जो मुझे बताना ज़रूरी था, राइट। अच्छा, उसके बाद इसमें मेंबर सब्सक्रिप्शन, एक एक वर्ड पढ़ोगे समझ आ जाएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम हर जगह पढ़ते हैं। अच्छा, फिर स्पोर्ट्स आइटम, इसको पढ़ोगे समझ आ जाएगा, फर्नीचर, क्रॉकरी, सब एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स, एक वर्ड आएगा स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है सर्टिफिकेट्स। तो एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो भैया शेयर स्क्रिप्ट्स दिखा दीजिए, सर्टिफिकेट्स दिखा दीजिए, ऐसे करके, राइट, ईबीटी में यूज हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक आता है सप्लाईज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मेंबर्स, ये पढ़ती हूँ जो अभी मैंने समझाया भी है। कहता है अकाउंट ऑफ मेंबर डेबिटेड इन द सब्सिडियरी रजिस्टर विद द अमाउंट रिकवरेबल फॉर द सप्लाई, जो भी हमने दिया वो डेबिट हो जाएगा। देन इंटरनल चेक स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, किसी कोई आया भी और पता भी नहीं चला, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दोस्त था शायद उसका। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड इन सब्सिडियरी, सॉरी अमाउंट डेबिटेड इन सब्सिडियरी रजिस्टर ट्रांसफर टू वेरियस कॉलम्स इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो मैंने आप बोला एक मेन रजिस्टर होता है उसमें सब्सिडियरी रजिस्टर से जो मेन रजिस्टर में मल्टी कॉलम्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाता है अमाउंट। फिर सी नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड स्टेप्स फॉर इट्स रिकवरी, वो भी बता दिया। फिर एक पॉइंट आता है एग्जामिन फाइनेंशियल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लब में फाइनेंशियल पावर सेक्रेटरी के हाथ में होती हैं तो उसकी अथॉरिटी के बिना कोई भी पैसा इधर से उधर नहीं होता। मतलब कोई बोले ना कि मुझे इस क्लब की मेंबरशिप दिलवा दो और कुछ डिस्काउंट, तो चांस ही नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो आपको कोई डिस्काउंट दिलवा दे, क्योंकि भाई साहब वो बहुत ही लो लेवल पर्सन है जो आपसे सिर्फ बात करने के लिए अपॉइंट हुआ है और उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। क्लब और होटल्स दोनों में ये बात खास है, क्लब होटल्स का काफ़ी आसपास का है इसलिए मैं ये दोनों हमेशा साथ लेती हूँ, काफ़ी बातें कॉमन है, काफ़ी बातें, बस वहाँ पे हम गेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे हम जो हमारे मेंबर हैं उनको मेंबर बोलते हैं और जो उनके साथ आए हैं जो हमारे मेंबर नहीं हैं उनको गेस्ट बोलते हैं। होटल में कोई भी मेंबर नहीं होता है इसलिए हर किसी को गेस्ट बोलते हैं जो रहने आ रहे हैं ऐसे, राइट। हाँ, तो वही वो कहता है कि उसकी फाइनेंशियल पावर्स को स्टडी करो और अगर वो अपनी फाइनेंशियल पावर्स को मिसयूज़ कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो फिर मैनेजिंग कमेटी को पता चलनी चाहिए, ये बातें हैं, ठीक है ना। तो ये क्लब का है, अब एक एक वर्ड पढ़ोगे समझ आ जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए होटेल्स, जो इसके आगे एक हैंड रिटन शीट और दी है मैंने इस चैप्टर पर आपको, और वो क्वेश्चन नंबर है 24 जो हमें कवर करना है अभी। दिस इज़ अबाउट होटेल्स। होटेल इंडस्ट्री भी क्लब की तरह ही है और असली बात यह है कि 24 आवर्स काम करता है क्लब, सॉरी होटल, क्लब तो डिपेंड करता है, नॉर्मली नहीं देखेंगे आप 24 आवर्स, लेकिन हाँ होटल इज़ 24/7 इंडस्ट्री, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो आते हैं उनको गेस्ट बोलते हैं। तीसरी बात यह है कि होटल में बहुत तरह के, मेन तो वही है जो रूम चार्जेस हैं और आपके जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं एनुअल जनरल मीटिंग, तो हॉल बुक हो जाते हैं, उससे भी रेंटल्स बहुत आते हैं, तो मेन तो यही इनकम होती है उनकी। फिर उसके बाद होटल, भाई मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैंने बोला अच्छा तो कहाँ जा रहे, बोले यहाँ जा रहा हूँ, तो होटल अभी दिल्ली से ही बुक करा लिया मैंने, तो इसका मतलब है बुकिंग एजेंसीज हैं, होटल बुकिंग एजेंसीज, आप सब, आपको सब पता है, इसका मतलब है मेरा होटल है तो मेरे में तो कुछ एजेंसी के थ्रू ही लोग आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, उन्होंने कितना पैसा एडवांस में ले लिया, बाकी फिर मैं लूँगा होटल वाला, सोचिए। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ गेस्ट मेरे पास कहाँ से आते हैं, वो मेरे मार्केट में एजेंट्स घूम रहे होते हैं, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे, स्टेशंस पे, वो ले आते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उनको कमीशन देते होगे आप, हाँ उन्हें कमीशन देता हूँ, तो उसके रिकॉर्ड्स होंगे। तो बेसिकली कहाँ कहाँ से गेस्ट आ रहे हैं, कुछ गेस्ट अपने आप आ जाते हैं, वेरी गुड, तो कहाँ कहाँ से आपके गेस्ट आ रहे हैं, दैट इज द पॉइंट, राइट। और इसमें अब एक पॉइंट और खास बात यह है कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी बात, होटल में वीकली ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बनता है,
जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो वीकली बनता है, और हर हफ्ते का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से। इस तरीके से 52 वीक्स, 52 ट्रेडिंग अकाउंट्स, 52 जीपी, तो एक ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है हमारे को, एक ट्रेंड मिल जाता है जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी हेल्प से होटल इंडस्ट्री वाले पहले से ही बता पाते हैं कि साल के कौन से वीक्स बहुत बिजी जाते हैं, पीक जाते हैं, कौन से वीक जाते हैं, इसलिए वो अपने डिस्काउंट स्कीम्स निकाल लेते हैं कि सर इस वीक के लिए तो आपको इतने टाइम पहले बताना पड़ेगा, इस वीक के लिए हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, इस वीक के लिए हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इससे उनका बड़ा अच्छा प्लान बना सकते हैं वो। तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले तो आपने क्या करना है भैया, वो 52 ट्रेडिंग अकाउंट्स दिखा दो वीकली जो बना रखे हैं, उससे भी आपका ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा, तो आप एक अंदाज़ा लगा लोगे कि उन्होंने ठीक से दिखाया है सब कुछ या नहीं दिखाया, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, थिंक व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो वही उसने बोला, पढ़ोगे आप समझ आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि एंटिसिपेटेड फिगर, जो एस्टिमेटेड फिगर है, उससे जो आपको लगता है कि होनी चाहिए थी उससे अगर डिफरेंस नजर आता है, तो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, एआरपी, राइट, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कैजुअल लेबर। अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में भी होता है पॉइंट, कि आपके पास आपका होटल है, आपके पास सफाई करने के लिए कोई नहीं है, ओ गेट पे चले जाओ ना होटल के, वहां पे लड़के लोग खड़े रहते हैं, वो कैजुअल लेबर है। हाँ बेटा आज काम करेगा, इतना पैसा देंगे, हाँ सर आता हूँ, आ गया। तो अब किसने कैजुअल लेबर रखे, किसने रखा, क्या उसके पैसे डिसाइड हुए, इंटरनल चेक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक बंदे को राजा बना दिया तो आप समझदार हैं, कुछ भी दिखाता रहेगा किताबों में, दिया कितना भी पैसा और दिखा दिया ज्यादा पैसा बाकी जेब में, इसलिए ये एरिया बहुत स्ट्रांगली चेक करना है कि भैया इसका सिस्टम बताओ, सिस्टम कैजुअल लेबर अपॉइंट होने का, राइट। अच्छा फिर आता है बुकिंग ऑफ हॉल्स फॉर स्पेशल पार्टीज, वो मैंने बता दिया आपको कि इनके हॉल्स होते हैं, रेंटल्स आते रहते हैं पार्टीज से या मीटिंग से, है ना। फिर रूम सेल्स, रूम सेल्स का मतलब है कि आपके जो रूम्स हैं उसमें कितने गेस्ट स्टे किए हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, रूम चार्जेस कितने हैं, उसका एक स्केड्यूल होता है बकायदा, उससे पता चल जाता है रेट्स कितने हैं कौन से रूम के। एक जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के जो इनके बंदे होते हैं होटल वालों के, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, उनका काम क्या होता है, जो आपका रूम है जिसमें आप स्टे कर रहे हो उसकी रूम की मेंटेनेंस, तो वो बकायदा आप देखेंगे सुबह आएगा अपनी ट्रॉली लेकर आएगा, ट्रॉली में उसके जितने भी टॉयलेट्रीज का सामान है जो वॉशरूम में रखते हैं, शैम्पूज एंड सोप केक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब उसके पास। फिर बेडशीट्स, जितना भी वो आपका रूम मेंटेनेंस में मटेरियल खर्च होता है वो सब स्टॉक लेकर आते हैं, और आप ध्यान देंगे उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसमें बकायदा एक छोटी छोटी चीज़ की भी एंट्री होती है कि मैंने कौन सी चीज़ हटा के कौन सी चीज़ न्यू फ्रेश रखी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, स्टॉक इज अ वेरी हाईली सेंसिटिव एरिया, और होटल्स में बहुत कॉस्टली चीज़ें यूज होती हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए उसका इंटरनल चेक बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हर चीज़ का ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा स्टाफ के जरिए चलता है होटल कि कितने लोग आए और कितने रूम में कितने दिन कौन सा रूम बिजी रहा और कितने लोग उसमें स्टे किए। जैसे कोई पेरेंट गए और अपने बच्चे के साथ गए तो उन्होंने बोला जी बच्चा छोटा है हमारे को एक्स्ट्रा बेड चाहिए, हम एक्स्ट्रा रूम नहीं ले सकते, बच्चा डरेगा, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, इसकी भी ऑथोराइजेशन होगी कि भैया वो एक्स्ट्रा बेड मांग रहे हैं, उसके क्या चार्जेस हैं, उसके जो बिस्तर है उसका क्या चार्जेस है, उसके बकायदा पहले ऑथोराइजेशन होगी फिर रिकॉर्ड होगी। पता चला आधा घंटा हो गया और मेरे बच्चे के लिए एक्स्ट्रा बेड नहीं आया, क्यों, क्योंकि सिस्टम है, तो होना चाहिए ना, ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगी, एक रूम में कितने भी एक्स्ट्रा लोग ठहर लेंगे और होटल का तो पैसा ही खत्म हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। तो इसलिए वो कहते हैं छोटी छोटी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रांग सिस्टम होता है। फिर आपने रूम सर्विस ली किचन से, है ना, एक किचन डिपार्टमेंट होता है, एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, एक गेस्ट जो रिसेप्शन पे होते हैं। अब किचन डिपार्टमेंट, तो रूम सर्विस ली तो उसमें आपको कैश थोड़ा देना पड़ता है, आप होटल के रेस्टोरेंट में जाके खा कर आए, बार में गए, पब में गए, जो भी बोल लो आप, तो जो भी उन्होंने फैसिलिटीज दे रखी है, स्पा की फैसिलिटी है, अगेन क्लब की तरह, वहां पे आपका बिल बन जाएगा लेकिन आप पे नहीं करोगे, वो सब ड्यू होता रहेगा, जब आपके डिपार्चर का टाइम आएगा तब आप अपने सारे ड्यूज क्लियर करोगे फिर वो आपको जाने देंगे। ये आपको अच्छे से पता है कि हम शुरू में कुछ एडवांस दे देते हैं फिर बाकी पेमेंट हम जाते वक्त कर देते हैं, थिंक व्हाट आई एम सेइंग,
और जितनी भी फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं एक दो दिन जो भी रहे हम, तो उसका वो ड्यू होता रहता है। आपके रूम में रेफ्रिजरेटर था, उन्होंने रेफ्रिजरेटर में सामान रखा हुआ है, बकायदा रेफ्रिजरेटर के बाहर एक शीट लगा रखी है, उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कितनी यूनिट्स किस चीज़ की पड़ी है रेफ्रिजरेटर में और उसके क्या चार्जेस हैं, आपने कंज्यूम किया तो उतना पैसा हम आपसे ले लेंगे, फ्री में नहीं होता है कुछ, आपको भी पता है। थिंक व्हाट आई एम सेइंग, ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, राइट? तो वही उसने बोला है, रूम सेल्स में एक गेस्ट बिल बनते हैं जो मैंने भी बताया, एक गेस्ट रजिस्टर बनता है जिसमें बकायदा आपकी एंट्री डिपार्चर डेज का सारा हिसाब होता है, फिर स्टैंडर्ड रूम्स रेट्स जो मैंने बताया शेड्यूल होता है, बकायदा रूम रेट्स पता चलते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पावर पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में है, उससे बात किए बगैर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता कभी भी। आप कभी भी, मैं बड़े होटल्स की बात कर रही हूँ, कभी भी जाएंगे और आप कहें कि जी हमें डिस्काउंट दे दीजिए, आप थक जाएंगे, डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज सिस्टम इज़ लाइक दैट, राइट? उसके बाद नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो कहता है करेक्ट होना चाहिए, उनका पीरियड उसके हिसाब से पता चलना चाहिए कौन गेस्ट कितने दिन ठहरे दैट वे। फिर वो कहता है जो मैंने बताया कि अगर आप उनको डिफरेंट रेट्स दे रहे हैं रूम के तो फिर वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद स्टॉक की बात करी उसने, कहते हैं हाईली सेंसिटिव एरिया है, पोर्टेबल है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एकदम गायब करी जा सकती हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा होटल्स में होता है, ऐसे लिखा भी होता है कि ये जनरल पीपल के लिए नहीं है एरिया, है ना, स्पेशल पीपल के लिए ही है, या ऑथोराइज पर्सन ओनली, कुछ भी लिख देते जिससे कि जो स्टॉक रूम है उसमें कोई भी अनऑथोराइज पर्सन एंटर ना कर सके। तो एक लाइन भी पढ़ेंगे आप बुक में, वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो पता चला एक फुल क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है और उसको वो लेके चलता बना, हमने बोला क्या लेके जा रहा है, कहता है वो खाली बोतलें हैं, एम्प्टी क्या बोलते हैं क्रेट, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम इतना वीक हो कि कोई पूरी की पूरी क्रेट ले जाए और हम समझे कि एम्प्टी क्रेट लेके जा रहा है कोल्ड ड्रिंक्स की दैट वे। तो सिस्टम शुड बी स्ट्रांग, इसलिए हर मूवमेंट और हर ट्रांसफर का पता रहना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से कब शिफ्ट हो रही है, किस लिए शिफ्ट हो रही है दैट वे। इवन जैसे आप किचन में खाना खाते हैं, किचन मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहाँ पे आपने स्टूअर्ट को बुलाया, स्टूअर्ट बॉय वेटर जो भी आपको समझ आता है, आपने उसको बुलाया और आपने कहा भाई मुझे ये मेन्यू देख के मुझे ये डिशेस चाहिए, तो उस वक़्त वो एक इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है, वर्ड निकल गया दिमाग से, किचन टिकट, हाँ किचन ऑर्डर टिकट, KOT, राइट, याद आ गया, KOT बुक में होगा, अगर शीट में नहीं होगा मुझे नहीं पता, शीट में भी हो शायद, तो इसको हम बोलते हैं किचन ऑर्डर टिकट। तो वो जो बॉय है जो आपसे ऑर्डर ले रहा था, वो दो कॉपीज बनाता है आपके ऑर्डर की, एक किचन को दे देता है, एक अपने पास रखेगा, इससे किचन वालों के पास भी रिकॉर्ड हो गया कि उन्होंने एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए थी और कितनी उन्होंने सप्लाई करी है, तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। उनकी एक प्लेट डिश बननी है तो उस एक प्लेट में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा उन्हें एग्जैक्ट पता है, तो इससे बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया कि कितना क्वांटिटी यूज़ होना चाहिए था और कितना यूज़ हुआ और अगर वेरिएशन है तो कहाँ गया। फिर एक बार हम किसी ओबराइज के 5-star होटल में थे, तो ओबराइज के जैसे बहुत सारे होटल्स हैं, तो एक में थे, आई डोंट रिमेम्बर उदयपुर था या कौन सा था, तो वहाँ पे उनके किचन में थे, कोई जानकार थे जो शेफ थे वो हमें जानते थे, तो वहाँ मैंने देखा कि 1 किलो का केक पूरा इतना अच्छा सा केक और डस्टबिन में पड़ा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई ये इस तरीके की वेस्टेज, तो शेफ़ बोले कि मैडम अगर हमारे यहाँ पे हल्का सा भी अगर स्टैंडर्ड कम पड़ जाए, जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा होता है, अगर वो हल्का सा भी कम पड़ जाए तो फिर हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं और फिर ये नॉर्मल लॉस माना जाता है। तो मैंने अपने मन में कहा वो भाई बाहर किसी को खिला देते, आपका हल्का सा स्टैंडर्ड हिल गया उसके लिए तो जन्नत थी। तो खैर वो एक अलग इशू है कि मैं सेंटी हो गई उस वक्त कि इस तरीके से वेस्टेज हो रही है और हिंदुस्तान जैसे देश में हो रही है, तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बात यही है कि ऐसा ये नॉर्मल है उनके लिए कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है अगर वो नहीं बन पाया तो वो उसे नॉर्मल लॉस मान के वेस्ट कर देते हैं, तो उसका भी बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। समझदार हैं आप मैंने क्या बोला, आई होप यू आर गेटिंग। तो एक ये वर्ड आएगा किचन ऑर्डर टिकट, राइट, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इसमें स्टॉक्स में था, मैं स्टॉक्स में बता रही थी आपको, हाँ फिर एक वर्ड आएगा सेल पॉइंट।
जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिया के किसी स्टेट में गए आप और वहाँ का पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट्स है या वहाँ की कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो बहुत हटके है, तो वहाँ के होटल्स ने एक एरिया बना रखा है जहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें एग्जिबिट कर रखी हैं कि और वो अगर आप खरीदना चाहें तो वो सामान वहाँ का आप खरीद भी सकते हैं, तो वो एक सेल पॉइंट हो गया। इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे जहाँ पे वो आपसे कोई भी चीज़ के चार्जेस लगा के बिल बना के आपको देते हैं, तो वो डिफरेंट सेल पॉइंट्स हैं। तो हर सेल पॉइंट पे कंट्रोल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे कह रहा है वो, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद स्टोर रूम वो कह रहा है, मैंने बता दिया ऑथोराइज्ड पर्सन के पास ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ, फिर एक पॉइंट और, ईयर एंड आ गया, अब आपके किचन में क्या क्या स्टॉक पड़ा है या इतना दुनिया भर का स्टॉक होता है होटल में पता है आपको, तो उसकी वैल्यूएशन, अब उसकी वैल्यूएशन के लिए वो स्पेशली प्रोफेशनल हायर करते हैं बाहर से जो अपने तरीकों से अपने सिस्टम से उसकी वैल्यूएशन निकाल के देते हैं कि आपको ये स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर ये चेक करो कि जो वैल्यूएशन है बकायदा वो प्रोफेशनली जो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनके द्वारा कैलकुलेट करवाई गई है या किस बेसिस पे कैलकुलेट करी है, वो सही है या नहीं है, दैट वे। और उसके बाद वो कहता है स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग होता है ना, फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए क्योंकि 24 आवर स्टडी रहती चलती रहती है ये इंडस्ट्री, तो इसलिए एवरीडे बेसिस पे या जैसे भी ठीक लगे आपके यहाँ पर कितनी ट्रांजैक्शंस हैं उसके बेसिस पे स्टॉक टेकिंग होती रहनी चाहिए, उसके रिकॉर्ड बकायदा मेंटेन होने चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद इसमें आ गया डेली रिपोर्ट ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड, बता दिया मैंने आपको, सारे रिकनसाइल होने चाहिए। फिर उसके बाद आ गया लेजर कमिंग थ्रू ट्रेवल एजेंट्स, जो मैंने आपको बताया ट्रेवल एजेंट्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं और आपके लिए गेस्ट ले आते हैं, रूम बुक हो जाते हैं आपके दैट वे। और हाँ, फिर ये कि जैसे वो एजेंसीज मैंने बताई थी कि आप दिल्ली से गए, आप एजेंट से बुक करा के गए, तो फिर उन्होंने होटल वालों ने उससे पैसा रिकवर किया या नहीं किया और उसके क्या चार्जेस थे जो उन्होंने उसको पे किए, वो सबका अकाउंटिंग होगा बकायदा, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट, ये मैंने आपको बता दिया, हाँ इसमें है किचन ऑर्डर टिकट मिल जाएगा आपको, रेस्टोरेंट बिल्स रिकनसाइल कर सकते हैं ना, जो बिल बना और जो किचन ऑर्डर टिकट है उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपने सर्विस टैक्स या वैट या कोई भी टैक्स आपने कलेक्ट किया इनडायरेक्ट टैक्स, फिर वो आपने अथॉरिटीज़ को जमा कराया कि नहीं कराया, एक ये पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद एक खास बात कि ना स्टोर जो होटल इंडस्ट्री है उसमें जैसे सेम गेस्ट जो है वो फिर से आते रहते हैं, जैसे ओबराइज में फॉरेन के बहुत कस्टमर्स आते हैं और वो फिक्स्ड हैं उनके, क्योंकि वो ओबराइज की सर्विसेज उनको इतनी पसंद आती हैं कि वो जब भी इंडिया आएगा अपने पर्पस से ऑफिशियल पर्पस से पर्सन तो वो उधर ही ठहरेगा। अब वही गेस्ट बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए होटल जो होते हैं वो इस चीज़ की केयर करते हैं कि जो एम्बियंस है, जो लुक है, जो रिसेप्शन का एरिया है या कोई भी एरिया है उसको चेंज किया जाए, तो उसमें जो उन्होंने डेकोरेटिव इतने महंगे महंगे लगा रखे होते हैं उसको वो चेंज कर देते हैं। इवन मैंने देखा सिल्वर कटलरी, कटलरी आप समझते हैं वो जो फोक्स एंड नाइव्स एंड एट्सेट्रा जो हम रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, अगर वो सिल्वर कटलरी है वो भी मैंने देखा है, वो अपने डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो एक साल बाद या दो साल बाद मैक्सिमम उसको चेंज करेंगे। तो फिर ये उनकी कॉजी फिक्स एसेट्स हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो फिक्स एसेट की तरह नहीं है कि सालों चल जाए, वो करंट एसेट की तरह नहीं है कि एक साल में उसको चेंज कर रहे हैं, वो अगर वो दो साल में चेंज कर रहे हैं तो फिर वो सेमी फिक्स्ड है, इसलिए वो कॉजी फिक्स्ड एसेट्स की तरह उसकी फिर अकाउंटिंग होती है। भाई जितने पीरियड में आप यूज़ कर रहे हो उतने पीरियड में उसको डिप्रिशिएट कर दो, दो साल है तो दो साल में उसकी वैल्यू ख़त्म, थिंक व्हाट आई एम सेइंग। तो रीडेकोरेशन का काम जो है बहुत चलता है, तो उस पर जो खर्चा है वो उसको जितने पीरियड के लिए डेकोरेशन कराया है उतने पीरियड में बांट देते हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद इसमें आता है एक वर्ड आता है ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस। आज हमारा 31 मार्च है, क्लोजर है, अब हमारे रूम में मिस्टर एक्स ठहरे हुए हैं, एक रूम की बात कर ले तो ऐसे दो सारे में ठहरे होंगे, एक ही रूम की बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स है, वो सर जो है वो हमारे 29th को आए थे और 2nd को जाएंगे, आज 31st है, तो 29, 30, 31 तीन दिन तो सर ठहर लिए, लेकिन दो दिन अभी सर और ठहरेंगे, तो फिर ये ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस हो गया ना, कि अभी ऑक्यूपाइड है और अभी चल रहा है ये ऑक्यूपेशन, रूम का जो ऑक्यूपेशन है वो भी चल रहा है, सो देयरफॉर दिस इज ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस।
अब 3 दिन का सर का जो पैसा है वो तो ड्यू हो गया ना, क्योंकि सर रह चुके हैं 3 दिन हमारे होटल में। लेकिन सर से अभी हम मांग नहीं सकते ना, मांगेंगे तो हम तो बुरा लगेगा, तो 2 दिन बाद ही मांगेंगे ना। लेकिन पैसा भी तो बन गया ना, इनकम तो हो गई ना, तो इसलिए इसको एक्रूड इनकम है, देयरफॉर इसको हम दिखा देते हैं ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस। तो ये एक वर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट है जो होटल इंडस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर जैसे फॉरेन से आपके कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स नहीं बोलते गेस्ट बोलते हैं, फॉरेन से गेस्ट आते हैं, तो सिचुएशन में वो कहता है कि हम डॉलर को रुपया और यूरो को रुपये में कन्वर्ट करना है, पाउंड को रुपये में कन्वर्ट करना है, जहाँ से भी आ रहे हैं, येन है या जो भी है उनकी करेंसी, तो उसके लिए उनके पास मनी चेंजर्स होते हैं होटल वालों के पास। तो देखना ये है कि जो मनी चेंजर्स बैठे हैं या जो भी फैसिलिटी आप दे रहे हो कन्वर्जन की, कि एक फॉरेन एक करेंसी को दूसरी करेंसी में आप कन्वर्ट करने की फैसिलिटी दे रहे हो, तो उसमें आपने फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट RBI रेगुलेशंस उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, ये भी एक पॉइंट है जो एज एन ऑडिटर आपको देखना चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद इसमें मेरे ख्याल से सब कवर हो गया शीट पे, और बुक में भी कुछ नहीं बचा होगा, अब सारा का सारा कवर किया है मैंने। अब आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एक वर्ड आएगा नाइट ऑडिटर, ये बुक पढ़ोगे ना उसमें, यहाँ नहीं दिख रहा वो वर्ड, एक अच्छा वो याद आ गया ना, और कुछ नहीं है सब, बुक पढ़ोगे अब एक एक वर्ड क्लियर होगा। अब आता है नाइट ऑडिटर। नाइट ऑडिटर क्योंकि मैंने बोला 24/7 काम करती है, तो इसलिए फिर वो एक ऑडिटर रखते हैं जो रात के दौरान कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं इसका हिसाब रखें। नहीं तो हो सकता है जो रिसेप्शन पे एम्प्लॉयज़ हैं वो कोल्यूजन हो जाए उनके बीच में, और फिर वो गलत मलत दिखाए रिकॉर्ड्स, पता चला गेस्ट को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा दिया और अच्छा खासा फ़ायदा अपनी जेब में डाल लिया। रूम चार्जेस था 6,000 पर डे, या पर डे ही बोलेंगे, और उससे वो चार्ज किया उसको 4,000, और रिकॉर्ड्स में दिखाया या नहीं दिखाया, और वो पूरा का पूरा जेब में चला गया, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए एक ऑडिटर अपॉइंट करता है होटल जो देखता रहे कि भैया कोई ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे तो होटल का पैसा ख़त्म ही होता जाएगा, तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है। अब कोई भी वर्ड आपको तंग नहीं करेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, एक एक वर्ड मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, राइट? प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बुक में आप देखेंगे बहुत बड़ा है दिखेगा आपको होटल, लेकिन जब आप शीट को देखेंगे तो आपको लगेगा बस कूल है, मैं तो ऐसे लिख दूंगा मेरा काम बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, मैं क्योंकि मैंने वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स से लाइनें बना लीजिए, पॉइंट हो गए, ठीक है? ओके, बाय बाय।